जनवार टाइम्स के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ सोहेल। दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल के 649 पदों पर निकाली वैकेंसी। दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इन पदों पर भर्ती के लिए 28 दिसंबर से आवेदन किए जा सकेंगे। भर्ती की यह प्रक्रिया 27 जनवरी 2020 तक चलेगी। कुल वैकेंसी की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस 649 पदों पर भर्ती करेगी। पुरुषों के लिए जहां 435 पद हैं तो वहीं महिलाओं के लिए 214 पद हैं। हालांकि अंतिम रिजल्ट से पहले पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। पद का नाम हेड कांस्टेबल होगा। कुल पदों की संख्या पुरुषों के लिए 435 और महिलाओं के लिए 214 है। इस पद के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए और उसके पास 12वीं में विज्ञान और गणित विषय होने चाहिए या उम्मीदवार के पास मैकेनिकम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोफेशनल योग्यता में इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड मांगी गई है और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान उम्मीदवार को होना चाहिए। आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जुलाई 2019 को सामान्य श्रेणी और EWS उम्मीदवारों की आयु 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं OBC उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 30 साल, SC/ST के लिए 32 साल है। उम्मीदवार को लेवल 4 पे मैट्रिक 25,500 से 81,100 रुपये के तहत ही वेतन दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते भी दिए जाएंगे। आवेदन फीस की बात की जाए तो फॉर्म के लिए उम्मीदवार को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। महिलाओं, SC/ST पूर्व सैन्य कर्मियों को फीस नहीं देनी होगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार delhipolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।